अभी तरतीब ये तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पर नमाज है, 1:15 बजे ना। यहाँ से हम आगे जाएंगे, आगे जो है ना चप्पलों के लिए भी पैसे वैसे देने पड़ते हैं। अगर कोई पैदल जा सके बगैर चप्पलों के, तो फिर अगर नहीं वहाँ देने तो चप्पल यहाँ उतार के अपनी फिर मस्जिद में चले जाए ना। और नीचे खवातीन के लिए नमाज की जगह है, ऊपर मर्दों के लिए जगह होती है। नीचे मर्द के लिए, लेकिन स्टार्ट में खवातीन का, अंदर की साइड पर फिर आगे मर्दों के लिए। अभी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल मस्जिद के लिए नूरुल हरमैन ट्रैवल ने अपने ग्रुप के लिए विज़िट का एहतमाम किया। जुम्मे की नमाज शाह फैसल मस्जिद में अदा करने की सादत हासिल करने के लिए हम यहाँ जमा हुए। शाह फैसल मस्जिद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होने के साथ साथ जुनूबी एशिया की अजीम मस्जिद होने का भी एजाज़ हासिल है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अपने अनोखे तर्ज तामीर के सबब तमाम मुस्लिम उम्मा में शोहरत की हामिल है, जो शहर के आखिरी सिरे पर मलगरा की दिलकश पहाड़ियों के दामन में खूबसूरत मंजर देती है। आइए आपको मस्जिद के ऊपर के मनाजिर में लेकर चलते हैं। इस मस्जिद की तामीर की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौरे इस्लाम में दी। बाद में तकरीबन 3 साल के बाद एक आलमी सतह का मुकाबला मुनक्किद कराया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के 43 माहिर फ़न तामीर ने अपने अपने नमूने पेश किए। चौथे रोज़ तुर्की के विदात वालों के का पेश करदा नमूना तस्लीम कर लिया गया और सऊदी हुकूमत की माली इमदाद से 1976 में इस मस्जिद की तामीर शुरू की गई। जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिला। मस्जिद के अंदर दरमियान में एक जदीद बरकी फानूस नस्ब किया है। इस मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर जदीद खताती के ज़रिए कुरानी आयात भी लिखी गई हैं। इस मस्जिद की फ़न तामीर में मुख्तलिफ रिवायती अंदाज की वाज़ेह झलक है, जिनमें अरबी, तुर्की, ईरानी और हिंदी तर्ज तामीर का अंसर मौजूद है। मस्जिद के अंदरूनी चारों तरफ कुरान पाक के फनपारे रखे गए हैं, जो अपनी खूबसूरती और अपनी मिसाल आप हैं। इस मरकज़ी हाल में पाकिस्तान के 2 मुमताज़ मुसव्विरों सादिकीन और गुल जी ने भी आयत रब्बानी की खताती का शर्फ हासिल किया है। इसके अलावा इस मस्जिद के ऊपर नस्ब किया जाने वाला चांद यानी के तलाई हलाल की तनसीब का काम भी गुल जी ने अंजाम दिया। सन 1986 में मस्जिद का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया और इसके अताते में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की तामीर की गई। ये मस्जिद कुल 5000 मुरबा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल है और बैरूनी अताते यानी कि बाहर के सहन को भी शामिल कर लें तो इसमें तकरीबन 80,000 नमाजी की गुंजाइश है। ये एक निकाह की तकरीब की जा रही है, एक भाई का निकाह अदा किया जा रहा है माशाल्लाह से। इस मस्जिद की फ़न तामीर जदीद तकाज़ों से हम आहंगे और दीगर रिवायती मसाजिद से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी शक्ल एक बड़े तैकूने खेमे की तरह है। इसके चारों तरफ बड़े मीनार जलवा अफरोज़ हैं। ये मीनार तुर्की के जदीद फ़न तामीर की अक्कासी करते हैं, जो आम मीनारों के यके मुख्तलिफ मुकाबले में कदरे बारीक बनाए गए हैं। यही वजह है कि पहाड़ों के दरमियान रात को ये मीनार खूबसूरत दिलकश अंदाज में दिलकश अंदाज का मंजर पेश करते हैं। ये माशाल्लाह इन मीनारों की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। ये मस्जिद का सहन माशाल्लाह से नमाज के बाद के मनाजिर हैं और यहीं पर ही अब हम अपने ग्रुप के साथ मौजूद हैं। ये हमारा ग्रुप के तमाम मेम्बरान ग्रुप फ़ोटो हमने लिया और ग्रुप के साथ मौजूद हैं और हमारे ग्रुप मेंबर के बच्चों के मामू के एजाज भाई के बच्चों के मामू का इंतकाल हो गया था, उनके हवाले से यहाँ पर हमने फातिहा खानी भी की और महफिल भी हुई। माशाल्लाह से